फ्रंट एंड पे मिलने वाले हैं आपको कनेक्टिंग डीआरएल्स। आज की वीडियो में शोकेस करने वाले भाई आपको क्रेटा फेसलिफ्ट बेस मॉडल है मैनुअल, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें चेंज कराई जा सकती है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। फ्रंट एलिमेंट में आते हैं तो सबसे पहले ये डीआरएल चेंज हो सकती है, ठीक है क्योंकि इसका कलर और टॉप वेरिएंट का कलर अलग है। देखने में सेम लगते हैं बट कलर अलग है। उसके बाद ये सिक्वेंशियल आ जाती है टॉप वेरिएंट के अंदर। ठीक है, इसमें ओनली बल्ब लगा हुआ है अंदर, एक सिंगल खाली पार्टीशन तीन दे रखे हैं। सिक्वेंशियल आएगी टॉप वेरिएंट में, वो चेंज होगी तो फिर ये चेंज करेंगे कनेक्टिंग वाली, ठीक जो है। बीच वाली कनेक्टिंग के रहती साथ है ये अपनी, वाला पीस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने पास अवेलेबल है, जेन्युइन बॉक्स पैक आपको मिल जाएगी हाँ। यहाँ पर, जो मैंने ये हमारी वाली में लगी सतीश हुई भाई है, में दिखा लगी रखी हुई है, है। ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्लॉस ब्लैक ग्रिल आ जाती है, ग्रिल पियानो ये वही वाली करी गई है ना, वही वाली करी गई है, ग्लॉस ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर इसको रेडी किया गया। ठीक है, टॉप वेरिएंट इसमें बेस वेरिएंट में अलग आता है, टॉप वेरिएंट में ऐसा आता है, ठीक है। ठीक है। ये मैट फिनिश का था बेस मॉडल के हाँ, अंदर। अब हेडलाइट सेक्शन में बात कर ले भाई, हेडलाइट सेक्शन में भाई 110 वॉट से एलईडी स्टार्ट हो जाती है, 300 वॉट तक आती है, 340 भी आ गई है, लेकिन वो है वही 310 320 ही है। वो भी ठीक है, सारे ठीक मॉडल अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी इसकी रेंज 2500 रुपये से लेकर 14500 रुपये की मिल जाएगी। है। इसके अंदर अपना भाई दो सेटअप अपग्रेड करेगा, लो बीम और हाई बीम सेक्शन के अंदर पूरा व्हाइट सेटअप ये अपग्रेड लो करा बीम गया है, है, ठीक है। और ये हाई बीम है अपना हाँ नीचे वाला, अपना अलग अलग लगा सकते हो। जो जैसे लो बीम ज्यादा यूज करता है तो 300 लगा ले, 240 लगा ले, 200 लगा ले, क्योंकि हाई बीम जो तो मतलब रेयरली यूज होती है रेयर गड्डी होती पे है। मारने के लिए। जैसे हाई बीम का यूज कम है तो कोई कम भी कर सकता है। मोस्टली वैसे रिकमेंडेड है कि सेम लगाओ, ऊपर जितनी उतनी नीचे लगे, और ये ताकि पूरा प्लग एंड प्ले प्रोसेस रहता है ना भाई प्लग एंड पूरा, प्ले रहता है ना, हेडलाइट खुलते ना कुछ खुलता है, खाली पीछे कैप खुलता है, कपलर टू कपलर कनेक्शन हो और जाता है जिस भाई इसका। को टॉप मॉडल वाली चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन हमारे जैसा रिकमेंडेड नहीं है, नहीं है, तो उसमें ब्राइटनेस कम ब्राइटनेस है नहीं उसकी, मिलेगी, हमारी वाली की जितनी है ना उतनी इसकी है, सेम सामान लगा इसमें भी। ठीक है। देख लो भाई, फ्रंट फेस आपके सामने ब्राइट सेटअप मिलने वाला आपको देखने के लिए। साइड फेस में बात कर ले भाई, इसके अंदर रिम्स आते हैं 16 इंच के अंदर, क्या ऑप्शन 16 इंच अपने के पास, रिम ही लगे हुए हैं इसमें। एक तो वो ऑप्शन है जो हमने एनलाइन वाला अपने क्रेटा के अंदर लगाया, वो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो आता है एसएक्स ऑप्शनल के अंदर डायमंड कट, वो मिल जाएगा। पुरानी वाली का डायमंड कट एसएक्स ऑप्शनल मिल जाएगा, 17 इंची में सेल्टोस का मिल जाएगा, जो कि 17 इंची का आता है डायमंड कट वाला, ये पीस उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक ये इस है, तरीके का मिल जाएगा, ये भी 17 इंच है, ठीक है। फिर इसमें एक्स लाइन मिल जाएगा इसका सेल्टोस का ही, जो ठीक कि है। मतलब 18 इंच में, ऑप्शंस जेन्युइन के अंदर ही बहुत सारे आपको मिल बहुत जाएंगे सारे। ना। फिर ये इंडिकेटर ये पूरा हटाना, सेटअप देख लो भाई, ये सारा ना जेन्युइन अलॉय व्हील्स का सेटअप ये है, वहां तक है भाई तो पूरा कोई भी ऊपर तक डिजाइन कोई भी मैं अपग्रेड करवा सकते हो, है ना। पूरा। ठीक है, अब वेंट में बात कर ले भाई, साइड वेंट में एक ह्यूंडई का ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक ये है। जी ड्राइव का लगा हुआ है जो थोड़ा बड़ा होता है। इंडिकेटर हटाया गया हाँ, इसके अंदर ये से, ऑटो फोल्डिंग मिरर लगाए हैं, कैप को पेंट करके ग्लॉस ब्लैक में कन्वर्ट किए, ठीक है। नीचे पैडल लैम्प पड़ल लैंप इसके अंदर ऐसे मिल जाएगा, चलेगा, ठीक ये है जल जाएगा। अभी ठीक है चाबी लगी हुई है, ठीक है, ये लग जल गई ठीक आपका। है भाई। चाबी से दिखाना है वर्किंग इसकी एक बार, तो लॉक एंड अनलॉक फीचर भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है, वर्किंग एडजस्टिंग फीचर भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो लॉक करने पर आपका मिरर सिंपली यहाँ पर फोल्ड हो चुके हैं, और अनलॉक करते ही आपके मिरर्स यहाँ पर अनफोल्ड है, रेडी टू यूज रहने वाले हैं ठीक है, इसके नीचे अंदर, पड़ल लैंप जल जाएगी अपनी, और ठीक है। इंडिकेटर आपका अनलॉक पे जलेगा, ठीक ठीक है, इसके है। अंदर जैसे आफ्टर मार्केट का भी ऑप्शन है इंडिकेटर, जिसमें वो चाहिए हमने हो, अपने वाले में डीआरएल लगा रखी है, वो हाँ ऑलवेज डीआरएल ऑन रहती है, इंडिकेटर पे इंडिकेटर हो जाता है। ठीक है। डोर वाइजर्स, डोर वाइजर्स आ जाएंगे, रूफरेल ठीक आ है, जाएंगे, लगाए नहीं है, शार्क फिन एंटीना शार्क एक आ फिन जाएगा। एंटीना अपग्रेड करा गया इसके अंदर। बाकी बैक एंड में चलेंगे भाई एक बार, थोड़ा बैक एंड से यहाँ पर दिखा दूँ, कैमरे की प्लेसमेंट करी गई है इसके अंदर, तो भाई ये यहीं पे ओरिजिनल प्लेसमेंट पे, ये एचडी है, इसमें एनटीएससी एचडी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मिल जाता है। बाकी यहाँ पर पूरा ऊपर ओवरऑल लुक ये मिल जाती है, पार्सल ट्रे अपनी जेन्युइन रहती है जो इसके अंदर अपग्रेड करी गई है, होंडा की जेन्युइन ब्रांडिंग, प्लस अपना इंक्लोजर ये भैया के पास बूफर, था, नहीं, इंक्लोजर हमारा है, बूफर हाँ इनका ऊपर पुराना। इनका अपना था, इंक्लोजर अपग्रेड करा गया हाँ इसके जी, अंदर, प्लस बूट लाइट अपग्रेड करी गई है जो जेन्युइन रहती है अपनी होंडा की, बाकी ठीक ये इसका बॉक्स है साइड में रखा, इसमें पुराने वाले डाल दिए, ठीक है। टेस्ला, है। उसके अलावा ये मैट का है, इसके अलावा ये एलईडी जो इंस्टॉल करी थी ये है हमारी 180 वॉट्स की, ठीक ठीक है। है, ये है बाकी एक्सेल फिट का सिस्टम रहने वाला है, हाइपरसोनिक का बाकी सिस्टम है, ये पुराना। बूट मैट हाँ, TFX ब्रांड का आपको मिल ये जाएगा, जरा, ठीक है। अच्छी खासी क्वालिटी इसके अंदर भी आपको मिलने ये वाली है, अपनी तो में भी यही लगा रखा, वही इसमें भी लगाया, ट्रे भी यही है, बूट मैट भी और यही भाई है। अगर टेनलेट में बात कर ले, टॉप में कुछ डिफरेंस आता है इसके अंदर, टॉप में डिफरेंस आ जाएगा, सबसे पहले तो ये मोटी हो जाएगी, इतनी ठीक है, ठीक मोटी होने के बाद यहाँ पे टेल लाइट इतना आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आके ना यहाँ से बॉक्स बनेगा इसका एक, है। ठीक है। वो उसके बाद ये मोटी आएगी, उसके बाद ये बॉक्स बनेगा, ये रिवर्स हो जाएगी उसकी, ओके, तो इसकी रिवर्स रिवर्स, ये। हाँ अभी के लिए इसके अंदर बेस मॉडल के अंदर यहाँ पर आ हाँ, जाती ये है। चेंज होगी। तो आउटर फेस दिखा दिया, इंटीरियर फेस में दिखाए थे भाई, यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला आपको देखने के लिए, तो भाई इंटीरियर के अंदर आ जाते हैं, तो इंटीरियर में चाबी आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ क्या कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अभी बाकी इसमें ग्लोसी जैसे बाहर हुआ, अंदर भी हो सकता है, ये वाला पैनल, ये वाला पैनल, ये वाला पैनल, ठीक है। ये वाला पैनल भी ये करा वाला सकते पैनल भी जैसे हो जाए, टॉप मॉडल के अंदर ये आता है, वाला पैनल भी हो जाएगा जिसपे स्टीरियो लगा हुआ है, अभी 10.33 ठीक का। है। ये पार्ट्स रहते हैं अपने आप अपग्रेड करने का ऑप्शन, टॉप मॉडल हैंडल्स वो मिल जाएंगे, ट्विटर सैश जेन्युइन इसके अंदर अपग्रेड करा गया है, स्पीकर अपग्रेड करे गए इसके अंदर, ठीक है। सीट कवर नहीं लगाया भाई, ठीक सीट कवर नहीं लगाया, अभी छोटा मोटा काम बचा ही है, अभी इसका फ्रेम आएगा, इसको अंदर करना है। है, हमने तो बड़ा लगा रखा 13 इंची का, वो बहुत ही बड़ा है। उसके बाद इधर नीचे जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा भाई फ्लोरिंग का ऑप्शन। फ्लोरिंग का ऑप्शन रहता है भाई इन वाले हाँ, पार्ट्स पे करवाने के लिए, ऊपर अपने उसके अभी के लिए मैट 70 मैट्स, वो भी वेलक्रो सिस्टम है, कोई लॉक सिस्टम नहीं है, लॉक वाले ने टूट जाते हैं भाई अपने बहुत हाँ जल्दी, है ना, ठीक है। एक बार कार के अंदर बैठेंगे, अंदर स्टीयरिंग भाई पे चेंजेस भाई,
ये SX ऑप्शनल का क्रूज कंट्रोल है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, ठीक है, जिसमें एन लाइन वेलोसिटी का, है वो भी मिल जाएगा अपने वो टॉप पास, मॉडल के अंदर आता है, वो एन लाइन का, वो हमने अपनी वाली में लगा रखा है, ठीक ठीक है है। ठीक क्रूज वर्किंग मिल जाएगा 30 से ऊपर, क्रूज कंट्रोल, ठीक है। है, वर्किंग वर्किंग। 30 से ऊपर जाओगे, इधर से स्पीड, इधर से पॉज एंड रिप्ले, और ये जेन्युइन रहते हैं, ये दोनों ह्युंडई जेन्युइन है, साइड में ह्युंडई जेन्युइन है, स्विच की फिनिशिंग देख सकते हो, ये भी ह्युंडई जेन्युइन आप लोगों को मिल जाएगा, वन टच ठीक है, है, ठीक है वन भाई। टच दिखा चुके हैं हर वीडियोज और में। एडजस्टिंग दिखाना भाई इसकी एक बार, एडजस्टिंग, एक मिनट इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको, ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। राइट का दिखा रहा हूँ, राइट लेफ्ट नीचे और ये ऊपर, ठीक है, फोर वे प्रॉपर एडजस्टेबल। वर्किंग। और भाई जितनी भी चीजें सारी प्लग एंड प्ले है ना भाई ये, हाँ, सारी प्लग एंड प्ले है, वायर कटिंग किसी के अंदर नहीं होती। सनग्लास होल्डर भी टॉप वेरिएंट वाला सनरूफ वाला इंस्टॉल करा है इसके अंदर, ठीक हमारी है, में भी ये लगा जेन्युइन, हुआ है। जो जेन्युइन रहता है वो अपग्रेड करा गया है हाँ, इसके अंदर। इसमें आपको व्हाइट एलईडी पहले से मिल जाती है देखने के लिए। अब एंड्रॉइड में भाई कौन कौन से ऑप्शंस रहने वाले अपने पास, एंड्रॉइड में 9 इंची का तो इसका फ्रेम आ चुका है, ठीक ठीक है, वो है। अंदर घुस के लगेगा 9 इंची, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। 10.33 का फ्रेम आने वाला है, इसलिए कस्टमर को 10.33 रिकमेंड करा है, हाइपरसोनिक का 464 GB ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला। ठीक है, तो फिटमेंट दिखा दो भाई, ये कुछ फिटमेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगी देखने के लिए, और ओवरऑल लुक अच्छी लगती है। थोड़ा सा ना 9 इंच बहुत छोटा छोटा लगता है। 9 इंच छोटा भी लगता है और ओल्ड फैशन भी लगता है। अब इसमें हाँ क्या ओरिजिनल फ्रेम आएगा इसका, ये अंदर घुस जाएगा उसके, अभी फ्लोटिंग टाइप में, बट फिनिशिंग देख सकते हो अभी भी 0-0 ही रखी है हमने, जीरो जीरो फिटमेंट इसके अंदर मिलने ठीक है। वाली है, हाइपरसोनिक ब्रांड के अंदर अपग्रेड करा गया इसमें भी, ठीक फ्रेम आते ही अंदर डाल देंगे इसको उसके। उसके है। अलावा भैया को 13 इंच का ऑप्शन दिखाया था, बट 13 इंच बड़ा था और उसका फ्रेम भी नहीं आएगा फ्यूचर में, तो वो चीज़ अलग थी, तो 10.3 का ही आएगा, ठीक ठीक है, है। बाकी क्लैरिटी कुछ इस तरीके की रहेगी स्क्रीन की। आपके सामने क्लियरिटी लेवल है पूरा। इसमें बात कर ले, एक बेसिक स्टार्टिंग कितने से मिल जाती है, ठीक भाई अगर ये वाले 10.33 में चाहिए तो 15,000 से बेसिक स्टार्टिंग है, है, 9 इंची में चाहिए तो 3,500 रुपये से बेसिक स्टार्टिंग है, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं मिलेगा। हमारे पास जो मिलेगा वो 5,500 रुपये से मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही खराब माल होता है जो उससे नीचे का आता है, हाँ वो तो मतलब ना बराबर, ठीक बेकार है वो तो लगाना, ठीक है। फिर है, 10 इंच लगा लो या 10.33 लगा लो, 10.33 के ऊपर जो हमने अपनी गाड़ी के अंदर लगाया वो लगा सकते हो, वो है 12.50 कुछ। ठीक है। इसमें मोरल के स्पीकर अपग्रेड करा गया, फ्रंट एंड पे कंपोनेंट, बैक एंड पे कोएक्सियल, तो अच्छा खासा सेटअप पूरा इसके अंदर रेडी करा गया। स्टेयरिंग रैप किया है, सीट कवर बाद में करेंगे, बट रैप ग्रे कलर का जिगजैग में, जो टॉप वेरिएंट के लेवल का होता है, वो सेम टू सेम ठीक स्टेयरिंग है, रैप इसमें कन्वर्ट किया, ग्रे ही करा है ग्रे ये ही फिनिश में जो टॉप मॉडल सेम के अंदर सेम आता है, कलर है, हाँ ये आप चेकआउट कर सकते हैं, सेम कलर विद अपना इससे मैचिंग, ये वाला मैचिंग सेम टू सेम सेम टू आपको सेम। मिलने वाला है भाई। अब बात कर ले इस गाड़ी की, मोटा मोटा बिलिंग कितनी होगी, भाई इस गाड़ी की बिलिंग अगर अलॉय व्हील नहीं लगाते, ये बेसिक म्यूजिक सिस्टम लगाते और ये क्रूज स्टेयरिंग ये सब, सीट कवर मैट भी इंक्लूड कर देता हूँ एक तरीके से, तो 80,000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा, जिसमें जेन्युइन पार्ट भी लगेंगे, आपके साइड मिरर हो गए, सनग्लास होल्डर हो गया, वो भी एलईडी भी है, तो मतलब बिना एलॉय व्हील्स के 80,000 रुपये में अस्सी रेडी कर हजार से सकते 1 लाख रुपए हो, का खर्चा आएगा अगर सब कुछ कराओगे, ऑटो फोल्डिंग हो गया, ये सब हो गया, मैट वैट हो गए, फ्लोरिंग हो गई, ट्रे वरे हो गए, सीट कवर भी ले लो, डैम्पिंग भी ले लो, तो 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता बाकी है। हमने एक सेटअप 180 का भी दिखा चुके हैं संजीत भाई की गाड़ी के अंदर, जो अपग्रेड हाँ करा गया, जिसमें एलॉय व्हील्स भी अच्छे खासे अपग्रेड हाँ करे गए हैं उसमें और पीपीएफ सेटअप करा के भी, वो 2.5 लाख चली गई है। हाँ पीपीएफ भी करी गई है उसके हाँ अंदर, पीपीएफ किसी भाई को करवानी हो जाएगी भाई अपने पास, पीपीएफ भाई करेटे का फिक्स रेट है 55,000 रुपये, टीपीयू क्वालिटी, टीपीएच क्वालिटी 46,000 रुपीज। ठीक है भाई। पीपीएफ का भी ऑप्शन है, जैसे अपने भाई लेके आते हैं भाई, अब ब्लैक करेटा सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है ब्लैक कलर के अंदर, तो वही करवाएंगे भाई ज्यादा हाँ, और पीपीएफ वो अपनी भी वही गाड़ी के वाली अंदर, करके दूंगा, पीपीएफ का रेट भी आपको वही बताया मैंने, 55,000 जो हमारी जो गाड़ी में अपनी रखा खुद है। की हाँ आप पर्सनल देख लो कार पहले में, आके, चेक कर लो, फिर अपनी गाड़ी में करा लो। ठीक है। और ये सारा काम कराना भाई आना कहाँ पर है, आपको आना पड़ेगा भाई न्यू स्पेस कीर्ति नगर रामा रोड, रामा रोड पे आओगे, यहाँ पे आप लोगों को स्पेस अच्छी खासी मिल जाएगी, ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपकी जो फिटमेंट है वो है। ठीक है। स्क्रीन पर सारे नंबर प्लस डिटेल्स ले सकते हो, क्रेटा की वीडियो चाहे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इन भाई मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ भाई संजीत भाई की क्रेटा ये वाली, इसके अंदर हमने एक DRL सेक्शन दिखाना भूल गए थे भाई लास्ट टाइम, क्योंकि जब तक अपग्रेड नहीं करी गई थी। ऑफ करना भाई इसको एक बार पहले, तो भाई यहाँ पर देख लो ये कुछ लुक आती है ऑफ पर, और जो ये पुराने वाला पार्ट था ना ये पूरा रिप्लेस कर चुके हैं DRL के साथ, तो जेन्युइन DRL भाई। ऑन करना है एक बार तो चाबी से पूरी लुक मिलने वाली है आपको देखने के लिए। तो बेस मॉडल भाई किसी एंगल से नहीं छोड़ी है भाई, अली गाड़ी पूरी कनेक्टिंग DRL फ्रंट एंड में अपग्रेड कर चुकी है।